for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulam-e-Abbas School. आज इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास ये दो SLOs मौजूद हैं दैट आर 822 एंड 823 फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. आज की इस वीडियो में हम टेम्परेचर की कन्वर्जन देखेंगे. एज वी मेंशनड अर्लियर दैट वी हैव द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, बट इन अ डेली लाइफ मोस्टली वी यूज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट. So we have a conversion factor between those two other units of the temperature in which we can convert Kelvin into Fahrenheit, Fahrenheit into Celsius and Celsius into Kelvin. तो हम इन तीनों यूनिट्स के दरमियान इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं. तो उसके लिए जो है हम एक रिलेशन सीखेंगे जिसको यूज करके हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ कन्वर्जन रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस इज सच दैट केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सेंटीग्रेड प्लस 273. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन टेम्परेचर एंड डिग्री सेल्सियस. अगर हमें केल्विन और डिग्री सेल्सियस में इंटर कन्वर्जन करनी है तो हम इस रिलेशन को यूज करके कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन विद डिग्री सेंटीग्रेड, सो वी कैन ऐड 273 टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन टेम्परेचर. इसी तरह से अगर हमें केल्विन टेम्परेचर गिवन है और वी नीड टू फाइंड इन डिग्री सेंटीग्रेड, सो ये 273 वाला जो फैक्टर है वो दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड इन टर्म्स ऑफ केल्विन. सो ये फैक्टर है, ये रिलेशन को यूज करके हम केल्विन और फॉरेनहाइट के दरमियान इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं. Similarly, we have another relation between Fahrenheit and degree centigrade. So, Fahrenheit is equals to 1.8C plus 32. So, this is the relation between the Fahrenheit and degree centigrade. अगर हमें degree centigrade के अंदर एक temperature given है, तो we can substitute that in this equation plus 32, we can have the that temperature in degree Fahrenheit. अगर हमें Fahrenheit के अंदर values given है, तो हम जो है वो Fahrenheit की value put करके 32 को दूसरी equation की side पे subtract करके 1.8 से divide कर देंगे. तो ये simple general algebraic equations है in टू वेरिएबल जिसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू नोन हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो इन अल्जेब्रिक रिलेशन जिसमें के टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन एंड डिग्री फॉरेनहाइट के दरमियान इंटर कन्वर्जन के बाद वी हैव अनदर एसएलओ दैट इज दैट डिमांड्स दैट डिस्क्राइब द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी. जब भी हम किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करते हैं सो इट इज ऑब्वियस दैट इट हैज गेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. एनर्जी गेन करने के बाद टेम्परेचर राइज हो जाता है एंड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक चिल्ड वाटर का कप या मग जो है वो एक रूम के अंदर प्लेस कर देते हैं, व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम दैट द टेम्परेचर ऑफ दैट चिल्ड वाटर और आइस ग्रेजुअली इंक्रीजेस. Similarly, अगर हम एक हॉट कप ऑफ टी को रूम में प्लेस कर दें सो द टेम्परेचर ऑफ दैट हॉट कप ऑफ टी इंक्रीजेस ग्रेजुअली. इफ यू प्लेस अ कप ऑफ टी इन अ रूम, हॉट कप ऑफ टी इन अ रूम, सो इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस ग्रेजुअली. सो ये दो सेम रूम के अंदर इन दो ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने से एक का टेम्परेचर राइज हो रहा है, एक का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. तो अगर हम उस चिल्ड कप ऑफ वाटर की एग्जांपल लें जिसमें जिसको रूम में प्लेस करने से उसका टेम्परेचर राइज हो रहा था, तो क्या वो टेम्परेचर हमेशा के लिए राइज होता रहेगा? सिमिलरली अगर एक हॉट कप ऑफ टी को रूम में प्लेस किया है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है, तो क्या हमेशा डिक्रीज होता रहेगा? ऑब्वियसली नहीं होगा ऐसा. एक सर्टन टाइम तक जो है वो टेम्परेचर राइज और डिक्रीज होता रहता है. अगर हम चिल्ड कप ऑफ वाटर की बात करें तो उसका टेम्परेचर राइज होगा टू द टेम्परेचर ऑफ रूम. सिमिलरली अगर हम हॉट कप ऑफ टी की बात करें तो उसका टेम्परेचर फॉल होगा टू द टेम्परेचर ऑफ रूम. सो इन शॉर्ट देर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, देर इज सम टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी इनटू अनदर. जब ये दो बॉडीज को आपस में कॉन्टैक्ट में लाते हैं
and the contact is known as thermal contact if there is a temperature difference between them. एक for example body A है, दूसरी body B है हमारे पास, और अगर ये दो bodies आपस में contact में है, इन दोनों का temperature different है, so there is a type of energy that flows from a hot body to a cold body. Hot body से cold body में एक energy transfer होती है, इस transfer होने वाली energy को हम heat कहते हैं. So, अगर हम उसी एग्जाम्पल को देखें तो हॉट कप ऑफ टी जब प्लेस किया रूम में तो रूम इज अ कोल्ड बॉडी एंड दैट कप ऑफ टी इज अ हॉट बॉडी. तो उस हॉट बॉडी में से हीट रिलीज हो रही है इन अ रूम. तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी का तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. एट सर्टेन टाइम एक टाइम आएगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा. This point is known as thermal equilibrium. इस point को जो है हम thermal equilibrium कहते हैं जब उन दोनों bodies का temperature एक दूसरे से बराबर हो जाए. इसी तरह से उस chilled cup of water की बात की जाए तो उस chilled cup of water का temperature rise हो रहा है, room से वो heat absorb कर रहा है. So room is a hot body और chilled cup of water is a cold body. So hot body से cold body के अंदर energy transfer हो रही है और इस transfer होने वाली energy को हम heat कहते हैं. तो वो भी हमेशा के लिए rise नहीं होगा temperature, उस point तक rise होगा जब दोनों bodies का temperature बराबर हो जाए. जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल होगा उस पॉइंट को हम कहते हैं इट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम. जैसे कि हमने हीट को डिफाइन करते हुए कहा था कि हीट वो एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही हो. जब वो एनर्जी हॉट बॉडी के अंदर मौजूद थी और वो एनर्जी जब कोल्ड बॉडी के अंदर एंटर हो गई हॉट बॉडी में से निकलने से पहले और कोल्ड बॉडी में एंटर होने के बाद इट डज नॉट रिमेन्स एज हीट एनर्जी. द हीट इज द ओनली एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन दीज टू बॉडी. ट्रांसफर के दौरान इस एनर्जी को हम हीट कहते हैं और उस हॉट बॉडी के अंदर जब मौजूद थी तब हम उसको हीट नहीं कहेंगे. जब वो एनर्जी कोल्ड बॉडी में एंटर हो जाएगी तब भी हम उसको हीट नहीं कहेंगे. ट्रांसफर के दौरान जो एनर्जी है उसको हम हीट कहते हैं. सो ट्रांसफर होने से पहले और ट्रांसफर होने के बाद क्या कहते हैं हम उसको, दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसके पास हीट ज़्यादा है. हम उसे उस बॉडी के बारे में ये कहेंगे कि उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है. अगर दो बॉडीज को थर्मल कॉन्टैक्ट में लाते हैं, हॉट है दूसरी कोल्ड है, तो हॉट से कोल्ड में एनर्जी ट्रांसफर होगी. तो कोल्ड में ट्रांसफर होने के बाद इट विल नॉट रिमेन एज अ हीट एनर्जी. एब्जॉर्ब होने के बाद कोल्ड बॉडी में नाउ इट विल बिकम द इंटरनल एनर्जी ऑफ कोल्ड बॉडी. अब क्या मतलब है इंटरनल एनर्जी का? इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी स्पेस पे रहते हुए अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेट करने का मतलब है वो मूव कर रहे हैं. दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. इट्स मीन दे पजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज एवरी मूविंग बॉडी हैज एनर्जी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की बात करें सो एवरी मॉलिक्यूल is attracted towards another molecule. एक molecule दूसरे molecule के साथ attracted होता है. There is a force of attraction or this bonding represent the potential energy. तो उसमें एक substance के जो molecules हैं उनके पास kinetic energy भी मौजूद है, उनके पास potential energy भी मौजूद है. इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है इन दोनों एनर्जी के सम के. अगर किसी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी राइज हो जाएगी. अगर किसी सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है इट्स मीन उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी. सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, लेट्स से दिस इज कोल्ड बॉडी और एक और बॉडी जो कि इसके साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में है इट इज हॉट बॉडी. जब इन दोनों बॉडीज को आपस में कॉन्टैक्ट में रखा देर इज अ थर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम. सो एन अमाउंट ऑफ एनर्जी और अ टाइप ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट एनर्जी.
जब हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ट्रांसफर होने से पहले वो हॉट बॉडी के अंदर थी, ट्रांसफर होने के बाद वो कोल्ड बॉडी में होगी, और उस एनर्जी को जब वो बॉडी के अंदर मौजूद हो तब हम उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, हम उसको हीट नहीं कहते। इट इज हीट एनर्जी ओनली ड्यूरिंग दिस ट्रांसफरिंग प्रोसेस। तो जब एक कोल्ड बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है तो हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल जो थे सब्सटेंस के वो इस एम्पलीट्यूड से या वाइब्रेटरी मोशन में मूव कर रहे थे। जैसे ही हीट वो एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने से दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा रैपिडली, ज़्यादा वाइग्रसली वाइब्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेट करेंगे, एंड सेकेंडली इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक कोल्ड बॉडी जब मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करे, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तो हीट को एब्जॉर्ब करने से इस कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, और मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा रैपिडली, ज़्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे। दिस मीन्स दैट हीट को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल्स की जो ये वाली एनर्जी है वो बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो वो उस बॉडी की या उस सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी राइज हो जाएगी। सो इन शॉर्ट, जब भी हम किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ। तो अगर बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। सो इन शॉर्ट, बॉडी अगर हीट एब्जॉर्ब करती है तो हीट एब्जॉर्ब करने से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। सो है वी कम एट द एंड ऑफ अ क्लास, जिसमें हमने इन दो एसएलओस को डिस्कस किया। द फर्स्ट वन वाज, जिसमें हमने कन्वर्जन रिलेशन देखा कि एक यूनिट ऑफ टेम्परेचर को दूसरे यूनिट ऑफ टेम्परेचर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। साथ साथ हमने ये देखा कि बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जब भी किसी बॉडी को हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या चेंजेस आते हैं, और फाइनली किस तरह से बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद एन अदर टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टिल देन, दिस इज मोहम्मद अली राणा टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to